Dear students, Assalamu alaikum. I hope by the grace of Allah you will be fine and healthy at home. I am your English teacher, Teacher Abe Jameel, and today I will be delivering the lecture from your English textbook. As you have already covered unit number 4 and 5 at school, so we will start from our next unit, unit number 6. And the topic of this unit is Peeping Inside. And the lesson which we will study today is the Great Cactus Tree at page number 68. The objective of this lesson is, after this lecture you will be able to understand what is review, how to write book review, what is keyword, phrase and point of view. Students, aapne aksar aisa किया होगा कि आपने कोई ड्रामा देखा होगा या फिर आपने कोई अपनी फेवरेट कार्टून मूवी या कोई बुक स्टोरी बुक जो है उसको रीड आउट किया होगा और वो इतना आपको इंटरेस्टिंग वो ड्रामा या वो मूवी या वो कार्टून या फिर वो स्टोरी लगी होगी कि आपका आपने ज़रूर अपने किसी फ्रेंड के साथ वो स्टोरी डिस्कस की होगी। जब आप अपनी वो देखी हुई या पढ़ी हुई स्टोरी जो है किसी दूसरे फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसा हुआ, कि समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि आपको कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो है वो कोई ड्रामा या कोई मूवी जो है वो मिस कर देता है, तो वो आपसे पूछता है कि क्या हुआ और आप पूरी उसको वो स्टोरी बताते हैं कि ऐसे हुआ या इस तरह से था और फिर उसमें आप एडिशन अपनी ओपिनियन का भी करते हैं, आप बताते हैं कि वो स्टोरी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी या वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी या उस स्टोरी या उसको देखकर इस दफ़ा इस एपिसोड में जो है उस ड्रामे में मज़ा नहीं आया। ये सारी बातें जब आप करते हैं तो एक्चुअली आप उस कार्टून, उस मूवी, उस स्टोरी या फिर उस ड्रामे का रिव्यू दे रहे होते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है द ग्रेट कैपिक ट्री, जो लेसन है पेज नंबर 68 पर, ये भी एक्चुअली सेंट्रलाइज करता है, हमें बताता है अबाउट रिव्यू, यानी कि आपकी अपनी क्या ओपिनियन है या आप एक शॉर्ट तरीके से समराइज्ड करके स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं और उसमें अपनी ओपिनियन भी डालते हैं, उसको हम रिव्यू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ फैमिली हु आर गोइंग टू विजिट रीड फॉर 15। It's a place where a story is told in 15 minutes and reviewer give his opinion about book. Here reviewer told story The Great Cactus Tree, the story about a man who was exhausted trying to chop down trees and falls asleep. Now we will start reading. Kindly open page number 68 of your English textbook and the lesson name The Great Cactus Tree. Let's start reading. Ah, what a lovely morning. Wah, kya khubsurat subah hai, Hiba said aloud. Hiba ne unchi awaaz mein kaha, taking a deep breath, ek gehri saans lete hue. Hiba, come for breakfast, the milk is getting cold, cried Hiba's brother Asim. Hiba ke bhai Asim ne kaha, Hiba, aa jao naashte ke liye. The milk is getting cold, doodh thanda ho raha hai. Hiba quickly put on her slippers and went down for breakfast. Hiba quickly put on her slippers, put on, pehenti hai her slippers, apni chappal, and went down for breakfast, aur niche aati hai naashte ke liye. The morning was refreshing. Subah bahut taza thi. While gulping down the milk, she heard dad calling out to someone. Jab wo doodh पी रही होती, गल्पिंग डाउन कहती हैं बड़ा घूंट भरना, यानी कि ज़्यादा सारा दूध जो है वो बड़े घूंट को जो है आप जल्दी से अपने हलक से नीचे उतारते हैं, उसको गल्पिंग डाउन कहते हैं। वो दूध पीती है, शी हर्ड डैड कॉलिंग आउट टू समवन, तो वो सुनती है कि डैड किसी को बुला रहे हैं। डैड इज स्टिल हियर आसिम, ही हैज नॉट गोन टू द ऑफिस टूडे, शी आस्ट। डैड अभी तक यही है आसिम, कि क्या वो आज ऑफिस नहीं गए हैं, शी आस्ट, उसने पूछा। आसिम डिड नॉट रिप्लाई इंटेंशली, आसिम जवाब नहीं देता जानबूझकर, जस्ट टू टीज हर, सिर्फ उसे तंग करने के लिए। बट शी कुड हियर डैड्स वॉइस, लेकिन वो डैड की आवाज़ सुन सकती थी। शी वेंट टू वर्ड्स हिज रूम एंड सैड ऑल इन वन ब्रेथ,
वो जाती है डैड के कमरे में और सब कह देती है एक ही सांस में, डैड डैड आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, इट्स अ हॉलीडे, डू यू हैव वन टू, डैड डैड आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मैंने आज स्कूल नहीं जाना है, इट्स अ हॉलीडे, आज छुट्टी है, डू यू हैव वन टू, क्या आपकी भी है, येस डियर आई ऑल्सो हैव अ हॉलीडे टूडे, रिप्लाई डैड, डैड जवाब देते हैं जी बेटा आई ऑल्सो हैव अ हॉलीडे टूडे, मेरी भी आज छुट्टी है, लेट्स गो समवेयर, सजेस्टेड हिबा, अब हिबा मशवरा देती है कि आए कहीं चलते हैं, डैड थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, डैड एक लम्हे के लिए सोचते हैं, थॉट सोचते हैं फॉर अ वाइल एक लम्हे के लिए एंड सेड और कहते हैं लेट्स गो, लेट्स विजिट रीड फॉर 15, आओ चलते हैं रीड फॉर 15, अब हिबा आगे से क्या रिप्लाई करती है, हिबा शी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, वो सोचती है एक लम्हे के लिए और कहती है आई वंस रीड रीड फॉर 15, आई वंस रीड मैंने एक दफ़ा पढ़ा था रीड फॉर 15, रीड फॉर 15 के बारे में ऑन अ पोस्टर, पोस्टर पर, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वेल इट्स अ कम्युनिटी एक्टिविटी वेयर अ स्टोरी इज टोल्ड इन 15 मिनट्स, अच्छा ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी है, कम्युनिटी बोलते हैं आप के जो मिलने जुलने वाले लोग जो होते हैं, जो इर्द गिर्द जो आपका सर्कल होता है, उन सब की मिलकर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा काम, यानी एक कम्युनिटी एक्टिविटी है, वेयर अ स्टोरी इज टोल्ड इन 15 मिनट्स, जहाँ पर कोई भी कहानी 15 मिनट के अंदर अंदर सुनाई जाती है, आई विल टेल यू मोर अबाउट इट, मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊँगा, बट गेट रेडी सो दैट वी कैन रीच देयर ऑन टाइम, आप जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि हम टाइम पर वहाँ पहुँच सकें, सैड डैड, डैड ने कहा, After an hour, एक घंटे के बाद, they reached the place and Hiba was excited to see her neighbor, Uncle Salim, telling a story. Let's read what she listened to. एक घंटे के बाद, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और Hiba ये देखकर बहुत excited होती है, बहुत पुरजोश होती है कि उनके हमसाये में रहने वाले Uncle Salim जो हैं, वो story सुना रहे हैं. Let's read what she listened to. आए पढ़ते हैं कि उसने क्या सुना. बच्चों अभी हमने जिस प्लेस के बारे में पढ़ा रीड फॉर 15, जहाँ पर हिबा और उसके फादर जो हैं वो विजिट करते हैं, वहाँ पर जाकर अंकल सलीम जिस स्टोरी का रिव्यू दे रहे हैं, अब हम उस स्टोरी को रीड आउट करने लगे कि उन्होंने कैसा रिव्यू दिया, यानी जो वो बोल रहे थे जो हिबा ने सुना उसको अब हम रीड करेंगे. द ग्रेट कैपिट्री इज़ अ ग्रेट बुक बाय लिन चेरी. ग्रेट कैपिट्री, अजीम कैपिट्री जो है वो इज़ अ ग्रेट बुक, एक बहुत अजीम किताब है बाय लिन चेरी, जो कि लिखी है लिन चेरी ने. लिन चेरी यानी कि जो बुक ऑथर थे उनका नाम लिन चेरी है. दिस इज़ अ बुक अबाउट अ मैन हु इज़ गोइंग टू कट एन ओल्ड कैपिट ट्री इन द फॉरेस्ट. ये किताब एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि दरख्त काटने जा रहा है कैपिट ट्री का इन द फॉरेस्ट जंगल. ही एग्जॉस्ट himself trying to chop down the tree and falls asleep. He exhausts. वो थक जाता है himself trying to chop down the tree. जब वो कोशिश कर रहा होता है chop down, cut down, यानी कि काटने की कोशिश कर रहा होता है किस चीज़ को, दरख्त को, and falls asleep और सो जाता है. While he sleeps, जब वो सो रहा होता है different animals living in the forest that depend on the capped tree come to whisper in his ears. तो मुख्तलिफ जानवर जो कि जंगल में रहते हैं डैट डिपेंड ऑन द कैपिट ट्री, जो के इन्हें सार करते हैं कैपिट ट्री पे, कम टू विस्पर इन हिज ईयर, वो आते हैं उसके कान में सरगोशी करते हैं. इन्हें सार करने का मतलब ये कि यानी वो तमाम एनिमल्स जो कि कैपिट ट्री के में रहते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई बर्ड्स रहते होंगे या उसके नीचे या उसके साए में सोते होंगे, वो तमाम जानवर जो हैं जिनको उस दरख्त से बहुत प्यार होता है, वो खाब में यही देखता है, वो उसके कान में विस्पर करते हैं, यानी सरगोशी करते हैं. ट्राइंग टू कन्विंस हिम नॉट टू कट डाउन द ट्री, और कोशिश करते हैं उसको राज़ी करने की कि वो ये दरख्त नहीं काटे. एंड हाउ दे आल डिपेंड ऑन द ट्री टू लिव, कि वो किस तरह से इस दरख्त के ऊपर इन्हिसार किए हुए हैं, यानी उनके लिए ये दरख्त कितना ज़रूरी है. दे टेल हिम अबाउट हाउ द ट्री शेल्टर्स their families and provides food for them.
वो उसको बताते हैं कि किस तरह से ये दरख्त जो है उनकी फैमिलीज को पना दिए हुए है एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर देम, और उनको खुराक मुहैया कर रहा है। ओके, लेट्स मूव एट पेज नंबर 69। When the man wakes up, जब आदमी उठता है, he goes to swing his axe at the tree again. तो वो जाता है अपनी तलवार को चलाने के लिए दरख्त पर दोबारा से। Then he looks and sees all the animals around him. तब वो देखता है और तो उसको पता चलता है, यानी उसे नज़र आता है all the animals, कि तमाम जानवर उसके एक गिर्द मौजूद हैं। यानी उसने ख्वाब में जिन जिन एनिमल्स को देखा होता है वो सब उसके एक गिर्द मौजूद होते हैं। जस्ट देन, बस तभी, द मैन चेंजेस हिज माइंड, आदमी अपना इरादा तब्दील कर लेता है, ड्रॉप्स द एक्स, अपनी तलवार नीचे करता है एंड वॉक्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल से बाहर चला जाता है। यानी पहले वो यही समझ रहा होता है कि शायद उसने एक ख्वाब जो है वो देखा है, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द वो उन तमाम एनिमल्स को देखता है जिसको वो ख्वाब में देख रहा होता है कि वो उसके कान में आके आहिस्ता आहिस्ता कह रही हैं कि ये दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो जब उन तमाम एनिमल्स को देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली ये ड्रीम नहीं था, ये एक्चुअल में उसके साथ हुआ है। तो वो अपना माइंड जो है वो चेंज कर लेता है, अपना इरादा चेंज कर लेता है और दरख्त नहीं काटता और बाहर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, अंकल सलीम एक्सप्लेन द स्टोरी एंड सेड, अंकल सलीम एक्सप्लेन वजाहत से बयान करते हैं स्टोरी को एंड सेड, और कहते हैं आई डेली इंजॉय रीडिंग दिस बुक, मैं वाकई इस बुक को पढ़ते हुए मैंने बहुत इंजॉय किया। आई लाइक ऑल द करेक्टर्स, मैंने तमाम किरदारों को जो है बहुत अच्छे लगे, एंड देयर एफर्ट टू सेव द ट्री, और उनकी वो कोशिश जो उन्होंने दरख्त बचाने के लिए की। I think the writer has a fantastic imagination. मेरा ख्याल ये है कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसका एक बहुत ज़बरदस्त तखयल है। इमेजिनेशन कहते हैं तखयल को, तखयल कहते हैं यानी आप ये कह लें कि ख्याल को कहते हैं इमेजिनेशन, यानी उसने जो सोचा उसकी सोच बहुत अच्छी थी। I look forward to reading more of his stories. और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं उसकी मज़ीद किताबों के बारे में पढ़ूँ। All the audience really appreciated Uncle Salim. All the audience, वो जितने तमाम सामीन थे यानी वो देखने वाले थे, really appreciated, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की Uncle Salim की for his excellent review of the story. कि उन्होंने ज़बरदस्त review, जायज़ा पेश किया story का। And other woman from the audience came and added, एक और औरत ऑडियंस में से आई और उन्होंने कहा, यानी उन्होंने मज़ीद इजाफा किया, आई हैव आल्सो रीड दिस बुक, मैंने भी इस किताब को पढ़ा है। द इलस्ट्रेशन आर वाइब्रेंट, डिटेल्ड एंड हेल्प ब्रिंग अ स्टोरी टू लाइफ। द इलस्ट्रेशन कहते हैं जो एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो आप यानी कि मंजरकशी जिसको आप बोलते हैं, यानी कि तमाम सीन जो है वो एक्सप्लेन करना, वो जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन थ्रू पिक्चर्स भी हो सकती है कि मुख्तलिफ बुक पिक्स मौजूद हों, या फिर जो है डिफरेंट तरीके से जब आप बयान करते हैं कि इस तरह से था, ऐसा जंगल था, ऐसे दरख्त थे, साइड पर ऐसे फूल लगे हुए थे, तो एक आपके जहन में एक इमेजिनेशन बन जाती है, इसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। और वाइब्रेंट कहते हैं मुतहरिक का मतलब ये कि आप को बड़ा अट्रैक्ट भी करती है और आप उससे जो है वो यानी कि स्टोरी की तरफ खुद ब खुद जो है आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल हो जाती है। डिटेल, बहुत तफसील के साथ, एंड हेल्प ब्रिंग द स्टोरी टू लाइफ, और कहानी को लेकर आती है ज़िंदगी की तरफ। दिस स्टोरी टीच अस अ लेसन वाई वी नीड ट्रीज, ये स्टोरी हमें बताती है कि क्यों हमें ज़रूरत है ट्रीज की, एंड What we can do to protect them, और हमें क्या करना चाहिए इसे protect करने के लिए। Uncle Salim appreciated her point of view. Uncle Salim जो हैं वो उन खातून के जो point of view है, यानी कि उनकी जो राय है, point of view कहते हैं राय को, उसको बहुत appreciate करते हैं। This is the end of reading.
ओके द इम्पोर्टेंट वर्ड्स विच वी रीड टूडे आर पीपिंग. पीपिंग का मतलब होता है झांकना. रिफ्रेशिंग ताज़ा. गल्पिंग जल्दी में बड़ा घूंट पीना. इंटेंशनली जानबूझकर. सजेस्टेड तजवीज़ करदा. कम्युनिटी हल्का अहबाब यानी जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको कहते हैं. एक्साइटेड पुरजोश. एग्जॉस्ट थक गया. थक जाना चौंपना काटना. विस्पर सरगोशी. कन्विंस कायल करना. शेल्टर पना. प्रोवाइड मुहैया करना. एक्सप्लेन वजाहत की. फैंटास्टिक लाजवाब. इमेजिनेशन तसव्वुर. लुक फॉरवर्ड आगे देखो. ऑडियंस सामीन. एप्रिशिएटेड तारीफ. एक्सीलेंट उम्दा. रिव्यू जायजा. इलस्ट्रेशन मिसाल. वाइब्रेंट मुतहरिक. डिटेल्ड तफसीली. दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. ओके द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने आज इस लेसन में डिस्कस की. नंबर वन इज बुक रिव्यू. बुक रिव्यू किसको कहते हैं? क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक यानी एक तनकीदी जायज़ा, तनकीदी तरीके से किसी किताब के बारे में बयान किया जाए. इट मे बेस्ड ऑन कॉन्टेंट स्टाइल मेरिट ओपिनियन एंड समरी एट्सेट्रा. ये बेस करती है यानी कि जो क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन है जो रिव्यू है वो कंटेंट यानी कि कैसे क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है, लिखने का स्टाइल क्या था. मतलब फ़नी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है और तंजिया भी हो सकता है. तो ये स्टाइल है. मेरिट और ओपिनियन यानी कि उसके बारे में क्या राय है आपकी. एंड समरी और फिर समराइज करके कि एक्चुअली इस बुक में क्या क्या बयान किया गया है. स्टोरी शॉर्ट करके किसी और चीज़ के बारे में भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बुक जो है वो कोई स्टोरी पे बेस करती हो. ये किसी और टॉपिक पे भी हो सकती है लेकिन समराइज़ करके मुख्तसर करके बयान करना कि एक्चुअली इसके अंदर किस चीज़ के बारे में क्या क्या बताया गया है उस सब चीज़ों को जो है वो कवर करती है उसे हम बुक रिव्यू कहते हैं. नंबर वन टू थिंग जो हमने टर्म पढ़ी वो है कीवर्ड. कीवर्ड कहते हैं वर्ड्स दैट डिस्क्राइब कॉन्टेंट यानी वो अल्फाज जो के पूरे कॉन्टेंट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद है फ्रेज. फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस सिंगल आइडिया यानी कि वो होता है तो दो या तीन वर्ड्स का मजमुआ है लेकिन वो एक सिंगल आइडिया को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं पर्सनल ओपिनियन को यानी कि आपकी जाती राय जो है उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेसन को पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ें करनी है एज अ होम टास्क इज़ यू विल लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग एंड मीनिंग एंड राइट इट ऑन योर नीट नोटबुक. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आई होप इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.